अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम शेख व्लॉग। तो वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल पर। तो आपको जैसे पता है रहीक का कल स्कूल में हो गया था सब। तो आज रहीक सुबह उसकी माँ लेके गई थी उसको स्कूल, 7 बजे की उसकी स्कूल थी। अभी बज रहे 12 और बहुत ज़्यादा कड़क धूप है। रमदान की भी तबीयत ख़राब है, तो अब मैं जा रही हूँ उसको स्कूल से लेने के लिए। पहले बिल्डिंग के लिए जाओगी, हाँ उसकी मम्मा को लूँगी, उसके पास जाओगी फिर उसको लेने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये मैं रहीक लो की बिल्डिंग के नीचे आ गई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। रहीक की मम्मा नीचे आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। अब रहीक की स्कूल जो है वो छूट गई है, उसकी मम्मा उसको ले रही है। और यहाँ पे देखो अमो अमो ये अमो अमो गाड़ी में बैठ के मज़ा आया है, मज़ा आया। चलो 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 घूम 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 चलाओ चलाओ अमो। इधर देखो इधर इधर बैठ के मजा आया, मजा 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 मजा। दीदी को लेने आए, चलो दीदी को ले। तो कैसा लगा रही स्कूल में, मजा आई? ये देखो किधर हो रही, कितने फ्रेंड बने, 8 फ्रेंड भी बन गए। और ये हमदान का रोना, इसका हमदान का रोना नहीं हो रहा है। चलो अभी घर पे चल के बात करते। कैसा कह रही स्कूल में दिन आज का है पहला? कितनी फ्रेंड बनी? 8। हाँ मस्का है। अब बता क्या दिए फ्रेंड लोग ने तेरी? इसके फ्रेंड लोग ने रिंग और ग्लिटर पेन दिए थे, पर नाम लिख दिए। अच्छा मजा आ रही ना स्कूल में? और चीट पेन से नाम लिख दिए। मजा आ रही स्कूल में? हाँ ठीक है सर। 3 hours later तो गाइज अभी हो गई शाम और रहीक स्कूल से आई थी, आप लोग ने देखे थे उसका फर्स्ट दिन था। तो बहुत मजा आई, उसकी 8-8 दोस्त बन गई थी, है ना? मजा आ रही है स्कूल में? हाँ। और हुरैन भी स्कूल से आ गई थी बट मैं ले नहीं पाई उसका शूट, ले नहीं पाया उसका शूट। तो अभी हुरैन आ गई थी, उसका कपड़ा वगैरह चेंज करा के हम लोग थोड़ा आराम किए, उसके बाद उठे, खाना खाए, फिर चाइनीज भेल खाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए। कल अभी हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए खाना। खाने में हम लोग बनाने वाले हैं बिरयानी, और पहली बार बनाने जा रही हूँ मैं। पता नहीं कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, और कौन सी बना रही वो भी नहीं मालूम। सिक का मसाला जो है पूरा रेडी कर फ्रिज में रख दी हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं उसको स्मोक करने के लिए। इसमें कोयले को जो मैं रख रही हूँ उस पर कोयला होएगा उसका, उसको स्मोक करूँगी, उसके आगे की प्रिपरेशन करूँगी। पूरी डिटेल में तो मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है। ये मेरा है और मेरा उधर रखा है। हाँ दोनों का सेम सेम है। तो अभी जो भी बनेगा रेसिपी नहीं शेयर करने वाली, जब अच्छे से बन गई खा लेगी टेस्ट कर लेगी उसके बाद आप लोग का रेसिपी शेयर करने वाली, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो में बने रहिए। जानी अभी इसको वो कर रहे, इसके अंदर गरम कोयला डाले, स्मोक कर रही हूं। ओ वाओ, धुआं इसके अंदर जमा होगा, जमाएगा तो फ्लेवर जाएगा उसके अंदर। अच्छा उसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं उठाएगा, ठीक है? इसके अंदर फ्लेवर निकल के उसके अंदर ही जमा हो जाएगा। कितना यूनिक सा लग रहा है ना ये। चलो अभी आधा घंटा छोड़ दो। गाइस बन गई है हम लोग की सीख बिरयानी, और मैं लाइट चलो दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम लोगों ने ना खाना खाना शुरू कर दिए थे, उसके बाद हुरैन रहीक ने स्टार्ट की, उसके बाद हम लोग याद आया कि हम लोग को हुरैन भी नहीं स्टार्ट की थी, मैं स्टार्ट की थी खाली। रहीक कैसी लगी देखो बिरयानी? नहीं की अभी तक हुरैन मेरा बेटू। सीख के साथ कैसी लगी? सीख के साथ खा के देखो। अरे 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 बाल पीछे लो, थैंक यू। तभी हम लोग खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज रहीक हम लोग के घर में सोने आई है रात में, और हुरैन को डरा रही थी रहीक कौन सा गाना गा के। हाँ मुझे तुम उसके बाद तू खुद क्यों डर गई? अभी ब्लॉग में गाना गा सकती ना, तब तो डर नहीं लगेगा ना तुम लोग को। गाइस मेरी आवाज सुनो कितनी सुरीली है। नहीं नहीं नहीं, अरे गाइस लोगों को सुना रही हूँ, सुना हुरैन। एक सेकंड रुक जा, हुरैन बोलेगी तो सुनाओ, हुरैन नहीं बोलेगी तो नहीं सुनाओ। पूरा ना मत बोल। अरे गाइस ये हुरैन सो गई है और रहीक सोने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको अपनी मधुर आवाज सुनाती हूँ, ठीक है? तो सुनो मेरी सर क्या क्या था मेरी हाँ सॉरी सॉरी मेरी चाहते तो फिजा में बहे। कोई नहीं डरा। The next day.
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हो गया नेक्स्ट डे और अभी मैं जा रही हूँ रैंकी स्कूल में, क्योंकि आज है उसका ओपन डे, आज उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, तो चले चलिए चलते हैं और देखते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड क्या आएगा। तो चलिए, तो गाइज मैं हुरेनकी स्कूल से आ गई हूँ उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर। तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो घर पर लेके जाने नहीं दिए वो लोग ने बस वहाँ पर दिखाए, और मैंने उसकी जो छोटा मोटा वीडियो बना ली वो मैं आपको इसके बाद दिखा दूँगी। तो हुरेन का माशाल्लाह से रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब वो स्कूल 15 दिन गई है, क्योंकि बाकी की पढ़ाई आप लोगों को जैसे कि पता है उसने दारुल मदीना में की है, तो टीचर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई में। वो अच्छी इसलिए ना क्योंकि उसको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, मतलब दारुल मदीना में जब वो पढ़ रही थी तो वहाँ की टीचरों ने उसको इतना अच्छा प्रिपेयर कर दिए थे, मतलब 2 महीने में वो दो महीने पढ़ी है, वहाँ की टीचरों ने उसको इतना अच्छा प्रिपेयर कर दिए थे कि उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। तो यहाँ पर आके उसने फटाक से कैचअप कर लिए सब बच्चों के साथ, तो बस अभी यहाँ के टीचरों ने तो बोले माशाल्लाह से बहुत अच्छी है पढ़ाई में, बट सीट पे नहीं बैठती है। तो ये मैं भी बोलूँगी घर में भी, वो आप लोगों को पता है एक जगह बैठती नहीं है, तो यही प्रॉब्लम दारू में देने वाली टीचर लोग भी बोलते थे कि घूमते रहती है एक जगह बैठ नहीं पाती है, और वही सेम बताई है यहाँ वाले टीचर लोग ने भी कि वो सीट पर नहीं बैठती, पूरा उसको देखना है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो बाकी पढ़ाई में अच्छी है, बस यही था। और रिपोर्ट कार्ड का मैंने वीडियो बना ली, तो मैं आपको इस वीडियो के बाद में दिखा दूँगी कि उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा आया है, और ग्रोथ बहुत अच्छी है उसकी। तो थैंक यू दारुल मदीना वाले टीचर लोगों का जिन्होंने वो लोग उसको इतना अच्छा स्टार्ट दिए, और यहाँ वाले टीचर लोग का जो भी चलते हैं घर पे और देखते हैं फिर मैं सो के उठी है या नहीं। तो चलिए मैं भी घर पर नाश्ता भी लेकर आ गई हूँ, और रही जो है आज हम लोग घर में रुकी थी तो वो भी यहीं पर नाश्ता करके जाएगी। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं मैडम लोग उठे या नहीं उठे। रेन, मैं तुम्हारी स्कूल में गई थी आज, तुम्हारा रिजल्ट देखने, फर्स्ट टर्म का रिपोर्ट कार्ड देखने। तुम पेपर दिए थे ना, तो वो पेपर में क्या मार्क्स आया वो देखने गई थी। कैसे बात है? बिल्कुल भी अच्छे नहीं। क्यों? बहुत अच्छे। मेरी टीचर बोले उरेन बहुत अच्छा पढ़ाई करते बट सीट पे नहीं बैठते। तुम सीट पे क्यों नहीं बैठते? बोले डॉक्टर, बोले किसके पास नहीं बिठाते ना, अपने फ्रेंड के पास नहीं बिठाते, मैं अकेले रह जाती हूँ, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के पास बैठ जाती हूँ। तुमको तुम्हारी फ्रेंड के पास नहीं बिठाते? नहीं। तो तुमको अकेले बैठाते इसलिए तुम सीट से उठते? हाँ। अच्छा। तो इससे बंदे रहती थी, वो अपने फ्रेंड के पास बैठो, मैं अपने फ्रेंड के पास, तो मैं फ्रेंड ही नहीं है। फ्रेंड नहीं है? कोई भी नहीं? मैं अकेले बैठती थी। मैं अकेले बैठता मेरा बच्चा, कोई फ्रेंड नहीं तुम्हारे? दीदी, दीदी दूसरी स्कूल में आई है, तो ऊपर आ रही है दीदी, पास फ्रेंड बने दीदी के, पहले तो कोई नहीं बने। दीदी के पास फ्रेंड बने, तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं बने? नहीं। तो फ्रेंडशिप करने का ना सबसे जाके बोलने का, तुम न्यू है ना अभी स्कूल में, सबके पुराने फ्रेंड बन चुके हैं ना। लेकिन मैं बस सकती हूँ, लेकिन लोग सकती हो कि अपने दोस्तों के पास बोलते हैं, दोस्तों के पास बैठ जाते हैं। तुमसे इकट्ठी होके? हाँ। दोस्तों के पास बैठ जाते हैं? अपने दोस्तों के पास। अपने दोस्तों, उन लोग के दोस्तों है, तुम्हारी एक भी दोस्त नहीं? टीचर को बोलो तुम्हारी दोस्त बना के देने। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। चलो अभी तुम्हारे फटाफट टीचर को बोलोगे, फटाफट टीचर को बोलोगे रैन की दोस्त बना, ठीक है? अरे चलो बोलो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम्हारा अच्छा मार्क्स आया मैं तुमको बहुत जल्दी गिफ्ट दिलाऊंगी, ठीक है? ऐसी ही पढ़ाई करना हमेशा। हाँ चलो सबको अल्लाह हाफिज़ करो। हाफिज़ है नहीं, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं। कैमरे पे हाथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।